हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रेम सागर। दोस्तों, Redmi Note 30 सीरीज़ के डेट तो अनाउंसमेंट हो गया, लॉन्च डेट। और इसके लॉन्च डेट अनाउंसमेंट होते ही Redmi ने अपने नोट 30 सीरीज़ में एक और वेरिएंट को बढ़ाते हुए इसकी भी, आप कह सकते हैं, इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने लगा है। ऐसे दोस्तों, आपको Redmi Note 30 सीरीज़ में Redmi Note 30 है, Redmi Note 30 Pro है, Redmi Note 30 Pro Plus है, ये तीन स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। ये तीनों स्मार्टफोन काफ़ी धमाके दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएंगे, फीचर्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। लेकिन एक खास बात है, इस तीनों स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, एक बात रहे कि Redmi के नोट 30 सीरीज में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, तो 4G कहां पीछे रहने वाला है। तो Redmi ने दोस्तों अपने Redmi नोट 44 नोट 30 सीरीज में ही अब 4G वेरिएंट को भी लाने के लिए सोच लिया है। पूरी तरह इसकी लीक्स और रूमर्स भी निकल के सामने आने लगे। अब Redmi की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि Redmi नोट 30, Redmi नोट 30 प्रो, दोनों ही स्मार्टफोन 4G वेरिएंट पे देखने को मिलेंगे। अब प्लस तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन Redmi Note 30 और Redmi Note 30 Pro ये दो ही स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छी फीचर्स के साथ देखने को मिल सकते हैं, और इसमें जो प्रोसेसर होंगे एक 4G वेरिएंट के देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि Redmi Note 30 की हम बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 685 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं प्रो में हम बात करें तो इसमें MediaTek का Helio G99 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एक बात करें नोट 30 में आपको कैमरा 108 मेगापिक्सल का, तो ही नोट 30 प्रो में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। 6.67 इंच के फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 5400 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि कह सकते हैं अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो वही दोनों स्मार्टफोन कहा जाए फीचर्स वगैरह के मामले में कहीं पीछे से नहीं होंगे, 5G के मामले में कोई पीछे होंगे नहीं कि 5G से कम फीचर होंगे इसमें। लेकिन इसमें यह है कि इसमें स्मार्टफोन आपको 4G देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होगी 4G वेरिएंट होगी। हालांकि इसकी लॉन्च डेट का पूरी क्लियर नहीं हुआ कि इस स्मार्टफोन को कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये भी स्मार्टफोन आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा। अब 2024 यानी कि नेक्स्ट मंथ के ही बाद ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब इसे की लीक्स वगैरह लाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके भी लॉन्च डेट शायद अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। तो सो गाइस, आप लोग बताइएगा कि Redmi Note 30 सीरीज में आपको 5G पसंद करते हैं 4G? वैसे तो बहुत लोग 5G के भी कवर्स करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक खास बात रहेगी कि 4G वेरिएंट को काफी ज्यादा कम सस्ते प्राइस में उतारा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आप बहुत लोग अभी 4G से सिम में ही कन्वर्ट रखते हैं, तो हो सके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4G ही ले और उसमें 5G पर इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि उनकी बजट के भी लेकर अपने अनुसार काम करते हैं। तो सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।